अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर नगर परिषद निवडणुकीच्या राजकीय आखाड्यातील वातावरण आता तापून लागले आहे। काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शहरातील आराफत चौकामध्ये आज दिग्गज नेत्यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या सभेमध्ये माजी नगराध्यक्ष पारस ललवाणी यांनी भाजपाने केलेली विकास कामे ही काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळातच मंजूर झालेली होती असा आरोप केला आहे। आपली जाहीर सभा ही वेळ 10 वाजायची आहे, त्यामुळे भरपूर नेत्यांना बोलायची इच्छा होती। आता मी भगवान दादा होते, आता मी प्रदीप दादा होते, तालुक्याचे अध्यक्ष राजेंद्र होते, मोर्चे वकील होते। आपको मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये चुनाव होगा कि नहीं होगा, ऐसा एक महीने से दो महीने से मेरे को कई नेताओं के फोन आते थे, मोहल्ले से भी कई लोगों के मुझे फोन आते थे, भाई क्या तैयारी है इलेक्शन की, हम तो सोच रहे हैं तुम्हारी कुछ मांडुली हो गई, स्कूल तुम्हारे पास दे दिया, कॉलेज तुम्हारे पास दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया और तुम अभी इलेक्शन में अंदर नहीं आने वाले हो। मतलब ठीक है, आपको जो पता चला वो चला, लेकिन मैंने कैसे शेरनी को खड़ा किया आपने सुना ना, ये शेर की शेरनी है, ये डरने वालों में से नहीं है। जो उम्मीदवार मैंने दिया है आपके सबके लिए, जो संजू दादा ने और पार्टी ने चुना है उम्मीदवार को, हमारी सबकी सलाह करके चुना है, और जिसको अपना हक बोलते आता है, जिसको अपनी बातों से बोलते आता है, जो कुछ अपने विचार मान सकती है समाज के लिए, ऐसी एक शेरनी को हमने उम्मीदवार देके आपको ये बात बोलता हूं कि जामनेर शहर में जो भी थी, जो लोकशाही जिसको बोलते हैं, लोकशाही का मतलब यह है कि हमारे को हमारा वोट का हक चाहिए और ये लोकशाही जिंदा रहना चाहिए। ये लोकशाही के लिए हमने सबने सब मिलके कांग्रेस राष्ट्रवादी के नेता सबको मैंने विनती किया कि अगर यहाँ लोकशाही शहर में जीवंत रखना है तो हमको बाहर आना पड़ेगा, हमको सामने आना पड़ेगा। सब नेताओं ने मेरी बात सुनी और मैं आज भी आपको बोलता हूं कि हमने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, ये उम्मीदवारों को कई रुपए की लालच दी गई, कई कारनामे किए गए, कई धमकियां दी गई। मैं पहले सबसे पहले मेरे सब तमाम भाई जो है, आज हमारी पवार मैडम है, इनको कई बातें बोली गई कि तुम मैडम क्या कर रहे हो, क्यों खड़े रह रहे हो, मैं तो कौन हूँ, आपको पता नहीं क्या मैं कौन हूँ, मेरा क्या है आपको पता नहीं क्या, मेरे पास सब कुछ है, आप किस बलबूते में खड़े रह रहे हो, ये लोग तुमको मजदार में छोड़ देंगे। हमारी मैडम ने एक ही बात बोली, वो सर को प्रेशर कर रहे थे, मैडम ने एक ही बात बोली, मैडम बोली कि भाऊ मैं लोकशाही गांव के आदमी को मत का हक होना चाहिए, इसके लिए खड़े रह रहे हो, पैसे के लिए, पैसा भगवान ने मेरे को बहुत दिया है और ये नाजायज संपत्ति मेरे को मेरे घर में नहीं होना, नाजायज पैसा मेरे घर में नहीं होना। हम दोनों मियां बीवी कसर की खाते हैं और इसके लिए हम ये ऐसे उम्मीदवार है अपने। मैं आपको फिर से बोलता हूं, अभी जामनेर में एक ही मुद्दा चल रहा है, विकास का मुद्दा, विकास के ऊपर हम लड़ रहे हैं, हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारा विकास देखो,
जामनेर का विकास किसने किया, कैसा किया आपको मालूम है। अभी मैं इसके पहले 2.5 साल में नगर अध्यक्ष था, उसके पहले 5 साल वो भी नगर अध्यक्ष थे। क्या विकास हुआ जामनेर का? आप जामनेर की सब जनता यहाँ है, आपको पता है विकास किसने किया था, किसने लाया था? ये रोड 80 लाख रुपए का जो बनाया है गांधी चौक से मस्जिद तक बोधवर नाके के, ये किसने बनाया आपको मालूम है? ये सारे विकासों के काम है। ये जो पूरे मोहल्ले में जो फ्लेवर ब्लॉक लगे हैं, पूरे मोहल्ले में जो रोड के काम हुए, मैंने मेरी 2.5 साल के करामत में 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए का काम मोहल्ले में किया। जब क्यों तुमको विकास दिखा नहीं? अगर ठीक है हम 2.5 साल सत्ता में रहे, लेकिन विकास की अगर बात करते हैं तो भाई आपको बोलना चाहता हूं, 40 करोड़ रुपए अजीत दादा ने मेरे को जामनेर शहर के लिए दिए थे। 21 करोड़ रुपए की जो पानी की योजना है जो आज शहर में चल रही है और उसका डंका बजाया जा रहा है कि ये पानी की योजना मैंने लाई है, मैं तुमको दावे के साथ कहता हूं ये पानी की योजना का जो तांत्रिक मंजूरी का चेक रहता है, जो टेक्निकल सेंक्शन का चेक रहता है भाई, उसमें साइन मेरी थी। इसका मतलब योजना किसने लाई, इसका मतलब योजना किसने लाई? तुम कितने दिन तक भूल भुलैया करोगे लोगों को? तुमको ये पता भी नहीं था कि 29 करोड़ की पानी की योजना कैसी बनेगी, उसका पूरा ड्रॉइंग मैंने बनवाया, उसका टेक्निकल सेंक्शन अजीत दादा से मैंने खरीद किया, टेक्निकल सेंक्शन का चेक मेरे साइन का है, फिर योजना किसने लाई? तुमने लाई। क्यों अपने झूठे वादे कर रहे हो और झूठे लोगों को फंसा रहे हो कि पाइप के काम चल रहा है पाइपलाइन का, लेकिन वो काम मंजूर करके लाने का काम मैंने किया था। कई काम अपने नाम पे किए जा रहे हैं, जामनेर से जामनेर पूरे को जोड़ने वाला जो पुल है वो पुल हमने बनाया। मैं बोलता हूँ मेरे कारकिर्दी में वो पुल का टेंडर निकला था 1 साल पहले, इन्होंने उसको अटका के रखा था। वो मेरी स्मशान भूमि पूरे पर के मैंने बनाई 75 लाख रुपए की। ये गांव में 40 करोड़ का काम मैंने किया, ये 10 लाख लीटर की पानी की टाकी मैंने बनाई। मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारा विकास क्या है? मेरे वैशिष्ट्य पूर्ण के अंदर मैंने 6 करोड़ रुपए लाए थे, 2 करोड़ रुपए इन्होंने वैशिष्ट्य पूर्ण के अंदर सोमबंडी पे लगाए, नाम खुद क्या कर रहे कि हमने किया। ये वॉल कंपाउंड हर एक ओपन स्पेस में वॉल कंपाउंड का काम चल रहा है, ये पूरे कंपाउंड का प्रायोजन, एक कंपाउंड को 10 लाख रुपए लगता है, कुछ 2-4 करोड़ रुपया नहीं लगता है। और कंपाउंड बनाना अगर विकास होगा, अगर आप इसको विकास मानते होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भूल है आपकी। विकास किसको बोलते हैं, विकास की परिभाषा क्या है ये पहले समझ लो। विकास की परिभाषा ऐसे है, तुम जब 2.5 साल में विकास कर रहे थे, तुम जब 2.5 साल में विकास कर रहे थे, तुम्हारा जब विकास का इतना नारा था, तो 2.5 साल में तुमने घरकू का काम क्यों नहीं पूरा किया? क्यों वहां लोगों को सुविधा दी नहीं? क्यों वहां पानी की टाकी बनी नहीं? क्यों वहां बगीचा बना नहीं? क्यों वहां मंगल कार्यालय बना नहीं? तुमने क्यों नहीं किया 2.5 साल में? क्या वो घरकू वाले अंधारे में रहते हैं? क्या वो घरकू वाले पानी नीचे से ले जाते हैं 3rd मंजिले पे? क्या है तुम्हारी विकास की परिभाषा? ये विकास की परिभाषा बोलना छोड़ दो। तुमको मैं बोलता हूँ विकास की परिभाषा क्या है, ये 70 करोड़ रुपए की जो पानी की योजना ही है, ड्रेनेज अंडरग्राउंड वाटर, तुम देख रहे हो भाइयों आंखों से देख रहे हो, 4 इंची पानी से पानी पूरे गांव का जाएगा क्या? 4 इंची पाइप डाले जा रहे ड्रेनेज के अंदर, 4 इंची के अंदर पानी पूरा बाहर जाएगा क्या? और वो जो चेम्बर बनाए हैं, जो ड्रेनेज के चेम्बर बनाए हैं, जो ड्रेनेज की पाइपलाइन बनाई है, उस पर पानी तो भी मारेगा क्या सीमेंट के काम पे? जिसने सीमेंट के काम पे पानी मारा नहीं, ठेकेदार कौन सी रेती वापर रहा है ये मालूम नहीं, ठेका कैसा चला रहा है ये मालूम नहीं, पानी कौन मार रहा है ये मालूम नहीं, ठेकेदार गुजरात से आ रहा है यहाँ काम कर रहा है जामनेर के अंदर, ये किस लिए? मैं बोलता भाइयों विकास का मुद्दा बोलने वाले के लिए ये होना चाहिए था। वो पवार साहब की बात करते कि हम जामनेर को बारामती बनाएंगे, जामनेर को बारामती बनाएंगे। अरे पवार साहब जब अपने मतदार संघ में जाते हैं और उम्मीदवारी करते हैं तो फॉर्म भरने के बाद किसी को वोट मांगने नहीं जाते हैं, किसी को वोट मांगने जाते नहीं है। ये पवार की घराने शाही है और लाखों के धागे से चुन के आते हैं। क्यों चुन के आते हैं? कि उनका विकास यही एक दृष्टिकोण है, वो विकास की तरह भी देख के बात करते हैं। पवार साहब अजीत दादा कभी एक बार फॉर्म भरने के बाद में अपने मतदार संघ में घूमते नहीं है, जो विकास करता है उसकी ये बात होती है। और तुम तो फॉर्म भर दिया, तुम मिनिस्टर है, तुमने इतने काम किए हैं, इतना विकास किया है, तुमको गली गली में घूमने की जरूरत क्या है? अपने आप पे इतना नाज है कि मैंने विकास किया है, मैं विकास के साथ हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ,
तो फिर क्यों दबाव ला रहे समाज समाज के ऊपर? क्यों समाज को खरीदना चाहते हो? क्या बातें चल रही? यह समाज को मंगल कार्यालय, वो समाज को मंगल कार्यालय, क्यों अभी 8 दिन में इतने मंगल कार्यालय कैसे क्या हो गए? 8 दिन में इतने मंगल कार्यालय चालू हो गए, कौन सा समाज को? ये था मिगार पूरे पर गया धनगर लोग बोले हमको समाज के लिए 80 लाख रुपए दे रहे, कोई बोलता यह समाज को 40 लाख दे रहे, कोई बोलता वो समाज को 60 लाख दे रहे। क्या समाज को खरीदने निकले हो? लोकशाही खत्म कर रहे हो, हुकुमशाही ला रहे हो? ये कभी हम जामनेर वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूँ भाइयों, मैंने पूरा पैनल संजू दादा को इनको विनंती करके सब गप्पार भाई को इनको विनंती किया कि आप कांग्रेस राष्ट्रवादी की युति रखो, हम इनके सामने जरूर लड़ेंगे, हम जनता के दरबार में जाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी मैडम गरीब मैडम है, गरीब सर है, वो टीचर है, टीचर अग्नि के पास क्या हो सकता है आपको पता है अच्छी तरह से। ये गांव में अपन एक साथ रह रहे हो, एक साथ अपना सब चल रहा है, अपन ये राजनीति के लिए 2 दिन की राजनीति के लिए इनके 2 टके के धंधे के लिए हम हमारे रिलेशन खराब कर लेंगे, हमारे संबंध खराब कर लेंगे। हजी साहब हमको गांव में रहना, ये गांव में पैदा हुए, ये गांव में हम जाने वाले हैं, लेकिन कुछ इंसानियत नाम की चीज होती है। 29 केसेस मेरे पे कर रहे, तुम क्या तो बोले नगर पालिका में पाइप लाइन के 10 लाख रुपए खा गए। वो सिरा महाजन मेरे पे गुनाह दाखिल करता है कि नगर पालिका में पाइप लाइन के 10 लाख रुपए पारासेट खा गए। शेख साहब ने देखा गुनाह नोट लिया, पारासेट को ढूंढ के लाओ डाल दो, ठीक है खा गए 10 लाख। फिर कोर्ट में जब शेख साहब सामने आए तो कोर्ट ने पूछा क्या हुआ, तो बोले पाइप को वहां घोड़ों में पड़ा नगर पालिका के, फिर ये कहा खा गए। फिर कोर्ट ने और बोला कि तुमको क्या इनके काम करने के लिए रखा है क्या, तुम इसकी नौकरी कर रहे हैं क्या, तुम पारा सेठ को अंदर डालने के लिए नौकरी कर रहे हैं क्या? अरे एक कोर्ट ने बोला, कोर्ट जैसा हाईकोर्ट बोलता है कि 1 रुपया से अपहार झालेला नहीं है, सर्व पाइप घोड़ोला है, हाईकोर्ट बोलता है इन्होंने स्कूल में कुछ किया नहीं है, ये सब लोग निर्दोष है, फिर भी बेकसूर से बेरहमी से हमारे पे गुनाह किए जा रहे हैं, हमको फंसाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमारा हक छीने जा रहा है, और फिर भी अगर हम घर में बैठ के ये बात को सहेंगे तो मेरे को लगता है इससे बुरा टाइम अपने को और कुछ भी नहीं आ सकता है। मेरे को ये जरूर कहना है कि भाई साहब आपके हाथ में बदलाव है, आपको बदलाव करना है किसी भी बात में। अभी आपको एक बात बोलता हूं, मैंने अभी आपको धन शक्ति की बात बोला कि धन शक्ति से वो किसी को भी खरीदने की बात करते हैं। हम आपको विनंती करते हैं कि वो कहीं कुंदा खनने गए नहीं थे, टिकम फावड़ा लेके कहीं खेत में काम को गए नहीं थे, बारी देने को गए नहीं थे, कहीं कोई खेती पिकाने गए नहीं थे, और आ गया चांस तो छोड़ना मत, धोए बगैर मेरे यारो छोड़ना मत, निकाल देके झोले में डाल देना, लेकिन छोड़ना मत। ये भी आपको मैं बोलता हूँ मेरे यारो, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, फिर मेरे को ऐसा बोलेगा कि घर में ही उम्मीदवारी है, क्या ये घरानेशाही नहीं तो क्या है? तुम पहले 5 साल नगर अध्यक्ष रहे, बाद में 2.5 साल रहे, 7.5 साल में 7.5 दिन तुम नगर पालिका में आए नहीं, नगर पालिका में देखा नहीं, घर से सब हिसाब किताब चलता है, फिर तुमको क्यों होना था? क्यों कोई कार्यकर्ता था नहीं, और कोई समाज का कार्यकर्ता नहीं था? हम बोलते हमने जामनेर में नबी सेठ को सरपंच बनाया था, मुस्लिम आदमी को सरपंच बना ले स्वर्गीय मनोहर सेठ ढाडीवाल, और हम लोग थे कि जिसको हमने सरपंच बनाया था। और मैं आज आपको वादा करता हूँ, सब मुस्लिम भाइयों को वादा करता हूँ, ये चांस हमको दो, ये चांस हमको दो, अगला चांस तुम्हारा रहेगा, ये भारत सरकार का चांस है। अगला चांस अगर आपको नहीं दिया तो मेरे को गांधी चौक के अंदर फांसी दे देना, मैं वापस आपके पास नहीं आऊंगा, मैं वापस आपके पास नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों को एंट्री मत दो, ऐसे लोगों को अगर आप एंट्री दोगे तो समाज तुमको माफ करने वाला नहीं है। जो लोग अत्याचार करने को निकले हैं, जो लोग दबाने को निकले हैं, जो लोग फटके मारने को निकले हैं, ऐसे लोगों के से बच के रहो, मेरी यही आपको विनती है, मेरी आपको यही गुजारिश है। अभी आपको मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, पीछे जाने वाला हूँ, अगर पीछे जाने वाला तो घर को जाके सो जाता था, इतने बंदूक के सामने भी आ गया तो काय के लिए आया? अरे मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा ये ख्याल छूटा है। हम तो मरने के लिए बाहर है, हमको कोई मार दे ये गांव के लिए अगर मर जाए
तो भी मेरे को कोई चिंता नहीं। मेरे बीवी बच्चे सब सही सलामत है, मेरे भाई सही सलामत है, लेकिन ये जो गांव में जो चलती है हुकूमत, ये जो गांव में जो दबाने का काम चल रहा है, दबाव तंत्र चल रहा है, मेरी इसके लिए आपको विनंती है कि ये दबाव तंत्र के नीचे आप झुको मत, आप झुको मत। अगर आप झुक गए तो वापस जिंदगी में वापस उठा नहीं पाओगे। हम तो ये गांव के लिए मरने के लिए भी तैयार है, हमको कोई चिंता नहीं उसकी। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, ऐलान किया था मंत्री बनने थे भाई साहब, तुम्हारे को याद देता हूँ, सॉरी अगर मेरा ज्यादा नहीं बोला। अभी ये मिनिस्टर बने, जामनेर में इनका सत्कार हुआ, इनका सत्कार होने के बाद बोले, इन्होंने एक सत्कार में बोला अजित दादांना 3 महीने जेल मध्ये टाकणार, 100 कोटी माझ्या घरी आले मी परत पाठवू। कितना ईमानदार आदमी है, कितना सच्चा आदमी है। 100 कोटी रुपए घर पे आने के बाद भी उन्होंने वापस कर दिए, उन्होंने हराम के पैसे को कभी हाथ लगाया नहीं, जो कुछ है उनके पास सब कसटका है। ये मैं बोलना चाहता हूँ भैया, समझ लो आप बात को, आप बात को समझ लो, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं और क्या बात चला रहे हैं, क्या दुनिया को चलाने का काम तुम कर रहे हो। सबको मालूम है तुम्हारे पास क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। हम तो आज जेल में जाने वाले हैं, मैंने गिन के रखा है, अगला 1.5 साल सरकार का है। मैं मेरी बीबी को हमेशा बोलता 500 दिन जेल में रहूंगा, लेकिन 500 दिन के बाद मैं जरूर बाहर आऊंगा, तो चिंता मत करना मैं जाने वाला नहीं। मैं मेरे बीबी बच्चों को यही बोलता 500 दिन जेल में रहूंगा, बस मेरे को लड़ना है लड़ना है। मेरी माँ ने मेरे को बोला तूने शेरनी का दूध पिया बेटा, ये गांव की अगर चली भी गया तो मेरे 4 भाई ये सब संभाल लेंगे। वो जो भी कुछ मेरे लिए करके गए, मेरे को अगर नगर अध्यक्ष किसने बनाया होगा तो हाजी कादिर साहब का, उसमें से बहुत बड़ा सीए का वादा था, उन्होंने मेरे को नगर अध्यक्ष बनाया। और जामनेर के गयूर मुसलमानों भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके इत्तेहाद इत्तेफाक को ऐसा मजबूत बनाए, ऐसा किला बने कि तोप भी उस पर असर ना करे, ऐसे मजबूत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बनाए, ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं आते आते ये सोच रहा था कि बहुत पब्लिक है, ये कह रहे थे, मैं बोला 200-300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, और उतनी तो हमारी माए बहनें बच्चियाँ बैठी थी। आपने इनकलाब का एक नया रास्ता अपनाया। कोई शायर ये करता है कि तू मर्द मुसलमान है तू पैगाम अमल दे, तू मर्द मुसलमान है तू पैगाम अमल दे और जमाने के मुकद्दर को बदल दे, जमाने के मुकद्दर को बदलने का काम हमको करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। 6 तारीख को इनकलाब बर्पा करना पड़ेगा। हमारी पवार मैडम नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार है, हमारे जितने भी 22-23 उम्मीदवार घड़ी पर है, पंजे पर है, इनको सबको चुन के देना है। जामनेर के तालुक से क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, संजू दादा ने बताया, पारस सेठ ने बताया, हमारे प्रदीप लोटा ने बताया, पर अभी आजकल जो चल रहा है कि कुछ महाराष्ट्र की बात बता था, बाद में दिल्ली तरफ जाता फिर जामनेर में हूँ। मंत्रालय में चाय घोटाला और चूहा घोटाला, ये मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं कि घोटाले होते हैं, कभी चूहे की भी घोटाले। एक हफ्ते में कुछ 3.5 लाख चूहे मारे बोले। अच्छा मुख्यमंत्री दादा वो फडणीस थे, तुम रहते तो फिर फतवा लेना पड़ता था क्योंकि गणेश जी की सवारी को मार रहे कैसी क्या। पर फडणीस जी उन्होंने फतवा निकाले, उन्होंने जी मारे उससे एक हफ्ते में 3-3.5 लाख उंदीर चूहे मारे, मैं तो समझता हूँ कि इनसे बड़ा बहादुर तो कोई नहीं हो सकता। हाँ दादा कह रहे 8वां अजूबा है, तो शेर मारने का शायद नहीं, तो चलो उंदीर ही मार लेंगे, ये काम कर। अरे ये 17-18 का जो ये आया सामने, तो चाय नाश्ता मुख्यमंत्री के ऑफिस से सीएमओ की ऑफिस में चाय नाश्ता 3,38,00,000 का, ऐसा क्या खाए। मैं भजिए जिलेबी
उपमा वगैरह खाया हमने, क्योंकि नॉनवेज तो खाने से रहते, अगर तुम हम रहते तो कलेजी गुड़दे वगैरह ये रहते, हो सकता था कि बिल बढ़ जाता। पर ये क्या बात है कि ये जलेबी भजिए वाले भी 3 करोड़ रुपये 38 लाख रुपये भी, दोस्तों सोचने की बात है, हंसी की बात नहीं। देश खा जा रहा है, देश को खा ले जा रहे लोग। और एक खास बात ये है कि सबको क्लीन चिट देते हैं हमारे मुख्यमंत्री, जिसने भी घोटाला किया क्लीन चिट मुख्यमंत्री की तरफ से, क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? लोगों के पास पुरावे हैं और तुम क्लीन चिट दे रहे हो। मुझे अन्ना हजारे का उपोषण की बात याद आ रही है, अन्ना हजारे का उपोषण छोड़ने के लिए हमारे बहू गए यहाँ से, अन्ना हजारे का उपोषण बहू और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जाके, तो अन्ना हजारे इतने दिन से छोड़ थे, 4 साल के बाद उनको थोड़ा बहुत ये आया, उन्होंने कुछ बातें उठाई और मुख्यमंत्री साहब और हमारे गिरीश भाई ने जाकर वो उनका मरण बदत बोलो या अनशन बोलो या जो भी उस पर बैठे थे उनका तोड़कर उन्होंने 6 महीने का उनको दिया कि हम ये 6 महीने में आपकी मांगनी कर देंगे। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोकपाल बिल ऐसा आसानी से नहीं आएगा, उसको पार्लियामेंट सेशन जॉइंट सेशन लाने के बाद ही वो तय होगा। जब लोकपाल बिल आएगा, लोगों को चुतियाँ बनाने का धंधा किया जा रहा है। मेरी बच्चियाँ बहनें यहाँ बैठी है, मैं आप लोगों से खासकर मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि तलाक सलासा शरीयत में इंटरफेयर, कुरान और हदीस में इंटरफेयर करने का इनको किसने हक दिया? शरीयत ये अल्लाह का कानून है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, उसमें इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनको किसने दिया? हमारी माँ बहनें बच्चियां रोड पर आई, जो कभी घर के बाहर नहीं निकली, रोड पर आई अपना हक मनाने के लिए। हक मांगना गुनाह नहीं, पर हक मांगने के लिए रोड पर आई जब तक तुम सोए थे। अगर तुमको हमारी बच्चियों का और बहनों का बेटियों का माओ का ख्याल है तो एजुकेशन हमारी बच्चियों के लिए फ्री करो, नौकरियों में उनका रिजर्वेशन रखो, डॉक्टर्स वकील इंजीनियर में रिजर्वेशन रखो, उसमें नहीं। भरत जोरू में भानगढ़ लगाने का काम तलाक से सलासा, ये बोले तलाक दे दिया तो 3 साल की सजा, तेरा बाप खिलाएगा उसको बच्ची को? 3 साल की अगर सजा लग जाती है, वो बच्ची जो जिसको उससे तलाक देने की बात किया, वो अगर सास के घर में है, उसकी सास अगर उसको तकलीफ देती है, उसकी ननद तकलीफ देती है, तो वो क्या करेगी बेचारी? वो तो जेल में गया। अरे कायदा बनाओ तो ढंग का बनाओ। पारस सेठ या हमारे प्रदीप जी ने के लोढ़ा जी ने कहा कि अंग्रेजों से भी बेकार, बिल्कुल ये लोकशाही है, इसमें आपको कायदा बनाने का हक है, पर कायदा बनाते टाइम तज्ञों से सलाह लो। हमारे उलमाए कराम को, इनको उपाध्याय कराम को, मुफ्तिया इकराम को बुलाओ और वहाँ बनाने के बाद कायदा बनाओ। कायदा ऐसा बना रहे हैं जिसको कोई हाथ पैर नहीं। दोस्तों ये बातें तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहू के जब ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बहू से कि अमित शाह के कहने पर तुम अपने अन्ना हजारे का अनशन छुड़ाने गए, आपके साथ में मुख्यमंत्री भी थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस जामनेर में, आपके शहर में, आपके मतदान संघ में, कि आप ये भी बात रखो वहाँ जाके कि तलाके सलासा में अपनों को कुछ बोलना नहीं है और शरीयत में इंटरफेयर करना नहीं है, ये आप बोलो तो हम मानेंगे कि आपको हमारी लगती है। पर्सनल काम गफ्फार का कर लेना या यूनुस भाई का कर लेना या जावेद बिल्ला जी का कर लेना, ये बात अलग होती है दोस्तों। समाज का काम
कौम का काम, मजहब का काम करना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई, घटना को पामाल करने का काम ये कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकात्मता और पर आधारित और पुरोगामी विचार को भस्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। पर मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ कि आप लोग बचाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान नहीं है, हिंदू भाई बचाने का काम कर रहे हैं। और उसमें आदरणीय पवार साहब का नंबर वन है दोस्तों, जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे कोई भी पकड़ा गया तो अतिरिक्त आया है, वो क्या मापेट से अतिरिक्त है, पकड़े गया उसकी जेब में सिमी का ये बम कांड करा, ये करा, चलो डालो अंदर। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कहता हूं कि हजारों में एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम जिनके उम्मत ही आकायद हो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये फरमाया कि तुम जिस वतन में रहते हो उस वतन से वफादारी तुम्हारा ईमान का जुज है। और ये भारत जमीन अल्लाह को पसंद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद, पहला नबी, पहला आदम, आदम अलैहि सलाम हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, श्रीलंका की सरजमी पर आदम अलैहि सलाम आए, पहले नबी, पहले आदम, पहला इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये भारत, ये और जिनके सबके सफेद में दुनिया बनी दोस्तों, आकायद हो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको हिंद की जानिब से खुशबू आई, ठंडी हवाएं आई। ये मुल्क जब हमारे आका को पसंद, हमारे अल्लाह को पसंद, तो हमको क्यों पसंद नहीं होगा? अगर हमको पसंद नहीं रहेगा तो हमारे ईमान में कमी रहेगी। और जिनकी शायरी कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि चिश्ती ने जिस जमीन पर पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस जमीन पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वैदत का गीत गाया, वैदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकाम से, सारी दुनिया को जिसने इल्म हुनर दिया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है दोस्तों, मेरा वतन हिंदुस्तान है। हम फख्र से कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि तुम क्या है, तुम क्या है, हमारे बाप दादा ये जमीन खोदोगे तो जहां इनके बाप दादाओं का खून निकलेगा उसके बाजू में हमारे बाप दादाओं का भी खून निकलेगा आजादी की लड़ाई में। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।